मुंबई के गोरेगांव पटनवाड़ी में ऑल इंडिया मजलिसे इत्यादुल मुस्लिमीन पार्टी के अकबरउद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। एमआईएम के सारे प्रत्याशियों द्वारा जोरों शोरों से स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में समर्थक जनसभा में उपस्थित रहकर उन्हें सुनते रहे। जनसभा के दौरान अकबर ओवैसी सभी विपक्षों पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस देश में कोई सबसे पीछे है तो वो मुसलमान है। और उनका यह भी कहना है कि जितना हक माथे पर तिलक लगाने वालों का है उतना ही हक टोपी और दाढ़ी बढ़ाने वालों का भी है। एमआईएम के समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। जनसभा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करते हुए अकबरउद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए। आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है मालूम? करोगे नौजवानों? वादा है करोगे ना? पंच वक्ता नमाजी बन जाओ, कुरान तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत पे अमल करो, बेवाओं की मदद करो, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रख लो, फिर देखो ये दुनिया तुमसे डरेगी, तुमको शेर कह के पुकारेगी। करोगे ना? वादा करे करना होगा। आवाजा होगी ईशा की, मस्जिद भरी होनी चाहिए, तो मैं समझूंगा कि मेरी तहरीर, मेरा यहां आना कामयाब हो गया। खुदारा मुनज्जम रहो, मुत्तहिद रहो, इत्तेहाद ताकत है, इंतजार मौत है। अरे आज किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आज कहते हैं कि हमको इस मुल्क से जाओ, अरे नहीं जाने वाले, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये किसी की बाप की जागीर नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो फकीर हूं, छोला उठाया चला जाऊंगा। ओहो क्या फकीर है भाई, 15 लाख का सूट पहनता है फकीर, रोजाना 3-3 8-8 जोड़े बदलता है फकीर, क्या फकीरी है। इसलिए तो लोग कहते हैं ना, डिमोनेटाइजेशन पे मेरा एक ही तबसरा, ओनली वन रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या है मालूम? एक बादशाह फकीर हो गया, एक फकीर है बादशाह हो गया। फकीर बादशाह जब हो गया और बादशाह फकीर हो गया, तो उस फकीर बादशाह में, फैसले में, जिंदगी में, उसकी फकीरी में बादशाहत नजर आती है। लेकिन एक फकीर जब बादशाह हो जाता है ना, तो उसकी बादशाहत में भी फकीरी नजर आती है। यही है, इस वास्ते देख समझ के बनाना भाई। अब बोल रहे मैं हूं, झोली लिया चला जाऊंगा। अरे जभी भी जाना है जाओ मिस्टर मोदी, लेकिन जाते जाते अपनी चाय की केतली, चाय की पत्ती, चाय का चूर्णा ले जाना ना भूलो। अगर भूल गए जहां भी जा रहे बोलो, कोरियर मैं करूंगा, डब्बा चूल्हा केतली लगा लेना कोने में बैठ के, चाय 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 बोलते हुए बात करे की कड़क चाय, नरम चाय, गरम चाय,
चाय की जरूरत नहीं है इस मुल्क को, कड़क चाय की जरूरत नहीं है इस मुल्क को, रोजी रोटी की फिक्र है। भारत मां कहते हैं, भारत मां के बहादुर सिपाही सरहद पर शहादत पा रहे हैं, सरहद की हिफाजत करते करते सर्दी में, बर्फ में, गर्मी में है। और भारत सरकार, मोदी सरकार इनको अच्छा खाना तक नहीं दे रही है। देखे ना आप, क्या अच्छा खाना, बेहतरीन खाना, साफ सुथरा खाना क्या हमारे फौजियों का हक नहीं है? मिस्टर मोदी, तुम्हारी हुकूमत अगर हमारे फौजियों को, हमारे सिपाहियों को अच्छा खाना नहीं दे सकती तो बोल दो हम मुसलमान एक वक्त का रोटी, एक वक्त के खाने से अपने पेट को काट लेंगे, दो वक्त की खाना खा लेंगे और एक वक्त का अनाज हम मुसलमान अपने फौजियों को दे देंगे। दे देंगे ना, दे देंगे ना। अरे आज स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत किधर का स्वच्छ, कहाँ का स्वच्छ? हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, साफ है, सुथरा है। अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी है, कचरा है, विलाजत है, तो वो कोई और नहीं, बीजेपी संघ परिवार, आरएसएस, शिवसेना, ये संघ परिवार है। साफ करना है तो पहले इस कचरे को साफ करो। और मंजलस, आपके जरिए इसी कचरे को साफ करने आई है। मुकाबला, आखिरी जुमला, मुकाबला बीएमसी का शिवसेना बीजेपी में, अब तक दोनों मिले हुए थे ना, अब दोनों अलग अलग लड़ रहे। सेना बोल रही मुंबई मेरा है, मोदी बोल रहा है नहीं मुंबई मेरा है, आरएसएस बोल रही है नागपुर से मुंबई हमारा है, तो मातोश्री कह रही है नहीं मुंबई हमारा है। अब इन दोनों के झगड़े में कांग्रेस कहीं पर नजर आ रही है आपको? जोर से बोलिए, कांग्रेस कहीं नजर आ रही है? एनसीपी नजर आ रही है? अब दोनों अगर जीत जाते हैं, और इस मजमे में जरूर कांग्रेस के चाहने वाले भी होंगे, होंगे भाई, हम अब तक नहीं थे ना उस वास्ते थे, उनकी कोई गलती नहीं, ना मुझे उनसे कोई शिकायत है ना शिकवा। एनसीपी के भी होंगे, बेशक होंगे, क्योंकि उनको काम करना था हम के लिए, मिल्लत। अब यही थे इस वजह से इनके साथ, समाजवादी के भी होंगे, लेकिन मेरे भाई अब आप यह फैसला करो कि अगर आप कांग्रेस एनसीपी को वोट देते हैं तो कोई फायदा है क्या? यहां मेरी मां बहन बैठी है, पर्दा नशीन, घर में चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाते हैं, मुंबई में गुजराती, मराठी, बिहारी, उत्तर भारती, ये वो सब है ना। हमारी मां बहन घर में फ्रूट सलाद भी बनाती है, फ्रूट सलाद, उसे फ्रूट्स होते ना, फ्रूट्स होते, सेब होते, संतरा होता, मौसंबी होता है, चेरी होता है, ये वो सब होता है। और उसके बाद वो फ्रूट सलाद में मजा कब आता है? जब क्रीम मिल जाती है, सही है ना, क्रीम मिल जाती है, शक्कर मिल जाती है। तो कांग्रेस का हाल ऐसी था, इधर से सेब मिला, इधर से संतरा मिला, इधर से ये मौज मिला, इधर से वो मिला, उसके बाद मुसलमान का क्रीम लेके निकलते थे, ना सेब रहा ना संतरा रहा, ना सेब रहा ना संतरा रहा, ना मौसंबी रही ना मौज रहा। अगर आप वोट देंगे ना इनको, तोड़ बेकार होगा। अब ये मजमा क्या है? ये मजमा कह रहा है कि अकबर ओवैसी, हम तुझे एक मर्तबा वोट देकर देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके वोट की अहमियत को, आपके वोट के एहसान को आप
आपके वोट के कीमत को अकबरुद्दीन ओवैसी कभी भी फरामोश नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपके हक के लिए लड़ेगा, लड़ते रहेगा, और सिर्फ यहाँ नहीं सारे महाराष्ट्र में लड़ता रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, एक भाई यूपी में है तो एक यहाँ है, इतनी देर से मुखातिब हो, इतना पसीना बह रहा है। तो मेरे भाई, ये पसीना, ये चीख, ये पुकार, ये आवाज इज्जत के लिए नहीं, शौहरत के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके हक के लिए है, आपकी शान के लिए है, आपकी शौकत के लिए है, आपकी अजमत के लिए है, आपके इंतहान के लिए है, आपके इंसान के लिए। हम आपकी लड़ाई हम लड़ने के लिए आए हैं। अब लड़ाना या नहीं लड़ाना ये आपकी मर्जी है, आपका फैसला है। हम तो हमारा हक अदा कर दिए, कल को मरूंगा, अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा, तो अल्लाह जब पूछेगा कि अकबर ओवैसी बता, मैंने तुझे खिताबत के जादू से नवाजा था, अल्फाज के सैलाब से नवाजा था, जज्बे शहादत से नवाजा था, क्या तूने उसका हक अदा किया? तो मैं कहूंगा कि हां, मुझसे जो होता था मैंने कर दिया, अब आपको हक अदा करना है, मर्जी आपकी, फैसला आपका, मैं तो बड़ी जिम्मा हो चुका, बस एक जोरदार नारा लगाना है, जोरदार नारा लगाना। शिकवा है, शिकायत है, तकलीफ है, गम है, लेकिन फिर भी मुझे अपने हिंदुस्तान में नाज है। हिंदुस्तान, 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 नारे तकबीर। अल्लाह हमारे बच्चों के इम्तिहानात में कामयाबी दे, हमारी बच्चियां तो घर में बैठी है, शादियां करवा दे, अल्लाह बीमारों को शिफाय कामिला अता कर, अल्लाह मजलिस को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेशक देखिए, हमने जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कदम रखा है, हमारा फर्स्ट मोटिव ये था कि लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पूरी की जाए, चाहे वो आधार कार्ड के जरिए हो, चाहे वो पैन कार्ड के जरिए हो, चाहे वो किसी भी डोमिसाइल के जरिए हो, चाहे वो राशन कार्ड के जरिए हो। जैसे साहब अकबरी नवैसी साहब ने कहा है, तो बिल्कुल 16 आने सच बात है, ये अकबरी नवैसी आपके खुद के आंकड़े हुए हैं, ये यहाँ के रिसर्च किए हुए आंकड़े हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी बुनियादी डॉक्यूमेंट इस वक्त मौजूद नहीं है। इस साहब और रसूल साहब की मोहब्बत थी तो लोग इतने जन सैलाब की तरह आमड़े हुए हैं यहाँ पे, तो हर एक पार्टियों को पैसे दे के बस प्रोवाइड करके लोगों को बुलाना पड़ता है, फिर भी व्यू नहीं आती है। आज अलहमदिल्ला अकबर साहब और रसूल साहब की मोहब्बत है जो इतने लोग यहाँ पे जन सैलाब की तरह आमड़े हुए थे। पूरे पठानवाड़ी का और पूरे दिल्ली का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने इस कदर जो है सपोर्ट हम लोगों को दिया। और ये बताने की तो आप जरूरत ही नहीं है, आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग तो खुद देख करके समझ सकते हो कि जिस तरह से यहाँ हुजूम, जिस तरह से लोगों ने मोहब्बत से दौड़ दौड़ करके खड़े रह करके 1-2 घंटा जो है मुसलसल खड़े रहकर अकबर साहब को सुना है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है और कितनी मोहब्बत मजलिस से करते हैं। तवज्जो नहीं दूंगा मैं तो ज्यादा से ज्यादा, मेरा फोकस जो है वो, मैं एक एजुकेशनलिस्ट हूँ, मेरी स्कूल चल रही है, और मैं चाहूंगा कि ये जो एजुकेशन का जो फंडा है, एजुकेशन और जो है हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, ये सारे जो मेन मुद्दे हैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। मेरे पास जो है प्राइमरी सेकेंडरी है, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जो है हायर सेकेंडरी भी और कॉलेजेस जो है डिग्री कॉलेजेस है, इंशाल्लाह हमारी जो वार्ड है इसी में हम लोग जो है उसकी सुविधा करने का हम पुरजोर कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह जीत करके आएंगे तो सबसे पहला काम हम एजुकेशन के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र में कुल 86 सीट्स है हमारी, और इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही हो। आप देखो अभी भी जो टिकट दी गई है तो नॉन मुस्लिम्स को भी टिकट दिया गया है, वो तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मजलिस का जो इनको खौफ आ गया है कि अब मुसलमान समझ गया है और दलित भी समझ गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को और दलितों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये कोई सेक्युलर पार्टी है? बिल्कुल सेक्युलर पार्टी है मैम।